साथियों जय हिंद। साथियों आज से हम अपने डेली करंट अफेयर्स का शुरू कर रहे हैं, सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन कर लीजिए जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। साथियों आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर हमारा, उसके 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2022 के GHI में भारत की रैंक कितनी है साथियों? तो 107। भारत की रैंक कितनी है? 107 रैंक है, 107 रैंक है भारत की। कितने देशों में? 121 देशों में। हमसे अच्छी पाकिस्तान की रैंक है दोस्तों। पाकिस्तान कितनी है? पाकिस्तान की रैंक है हमारी 99। और श्रीलंका की तो एशिया में सबसे अच्छी है, श्रीलंका की कितनी रैंक है? 64 रैंक है। और बांग्लादेश की कितनी है? 84 है। और हमसे पीछे केवल अफगानिस्तान है जिसकी रैंक 110 है साथियों। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग हमसे ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। अब इंडेक्स जारी करने वाले जान सकते हैं इसके बारे में। पीएम डिवाइन क्या है? तो पीएम डिवाइन एक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना किसके लिए? नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके आर्थिक विकास के लिए लागू की गई बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है आपकी पीएम डिवाइन। इसका फुल फॉर्म क्या है पीएम डिवाइन का? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है अर्थव्यवस्था इनका आर्थिक विकास करने के लिए। डेवलपमेंट इनिशिएटिव पहल है किसकी? नॉर्थ और ईस्ट जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे, जो पिछड़े राज्य हैं, जो मेनली समझ लीजिए पर्वतीय राज्य टाइप हैं, तो इनके विकास के लिए योजना लागू की गई है। टेली मानस क्या है? टेली मानस मानसिक मंदितों के स्वास्थ्य के लिए एक पहल है प्रधानमंत्री की, 24/7 उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक पहल है टेली मानस, जो सभी राज्यों के एक्रॉस स्टेट्स, जो पूरे देश के राज्यों से उसका क्या होगा, जुड़ाव रहेगा। तो ये टेली मानस, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो फुल फॉर्म इन दोनों का आपको मालूम होना चाहिए, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। मानसिक मंदितों के स्वास्थ्य के लिए शुरू की एक पहल है। डीबीयू क्या है? अभी कल ही प्रधानमंत्री द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन दिल्ली से किया गया। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 देश के 75 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट घर बैठे अकाउंट खुलवाया जा सकता है और उसका लेन देन किया जा सकता है, जमा निकासी की जा सकती, eKYC और video KYC के जरिए अकाउंट खुल जाएगा। छोटे मोटे लोन का आवेदन आप इसी से कर सकते हैं और इसके द्वारा आप FDI मतलब फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वित्तीय समावेशन के लिए और लोगों के कोई कष्ट ना हो, घर बैठे बैंकिंग का लाभ उठाने के लिए योजना लागू की गई। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 जिलों में, देश के 75 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट तौर पे लागू किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे।
और जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के चार शहर हैं, लखनऊ है, महोबा है, झांसी है और कानपुर देहात में योजना शुरू की गई है। 2021-2022 में भारत का FDI कितना है कुल कलेक्शन, तो ये लगातार वृद्धि हो रही है हमारे, इसमें इसका कलेक्शन है 84.8 अरब डॉलर, जो हमारे आर्थिक विकास का संकेत देता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना होगा। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने पहली और दूसरी दोनों तिमाही में इसके जल जीवन मिशन लक्ष्य, घर घर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया तमिलनाडु ने। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा लागू करने वाला राज्य कौन बना? नागालैंड। नागालैंड ने सबके स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान जो योजना केंद्र सरकार की है उसके तर्ज पे सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने मार्क किया है। ये क्या है, किसे दिया गया? हैदराबाद को। तेलंगाना की राजधानी है आपके हैदराबाद, तो ये बहुत ही गर्व का विषय है। दक्षिण कोरिया में आयोजित समारोह में ये अवार्ड दिया गया है। सबसे वर्ल्ड में सबसे ग्रीन सिटी हमारी हैदराबाद है, पॉल्यूशन मुक्त की ओर बढ़ रहे हैं, समझ लीजिए ग्रीनरी है वहाँ पे, तो ग्रीन सिटी के रूप में हैदराबाद को नामित किया गया है। विश्व खाद्य दिवस कब होता है? तो ये 16 अक्टूबर आज ही के दिन मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 में विश्व खाद्य FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। इसका मुख्यालय है रोम में इसका मुख्यालय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1945 में 16 अक्टूबर को आज एक दिन, इसलिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, समझ लीजिए स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में देने वाला पहला राज्य बना आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत अव्वल राज्य है हर क्षेत्र में। अभी जो स्वच्छता पुरस्कार मिला था तो प्रथम पुरस्कार इसी राज्य ने जीता था, राज्य में मध्य प्रदेश ने। और यहाँ का एक शहर जो इंदौर हो, छठवीं बार लगातार स्वच्छता पुरस्कार उसने प्राप्त किया है और कचरा मुक्त शहर के रूप में उसको सेवन स्टार मिला है और फिफ्थ स्टार किसको मिला है? सूरत को मिला है। तो साथियों ये रहे हमारे आज के बहुत ही 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली हमारे साथ सुबह आप जुड़े रहिए, डेली की न्यूज जो परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होगी एग्जाम्स के लिए, उन पर हम चर्चा करेंगे। साथियों कलीवर अड्डा विजिट करिए, पसंद आए आप उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको देख सकें, आप लाभ उठा सकें। साथियों बने रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सफल होइए। जय हिंद।